बीमारी है जिसका सर कोई सबसे इलाज पहले नहीं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमचंद है हाँ, और आप मैं कहाँ भाईसा से का आए? रहता हूँ, हाँ और मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। उससे बहुत परेशान हूँ मैं। 3 साल से इलाज चल रहा है, दिल्ली अहमदाबाद सब जगह दिखा दिया, सब जगह से निराश, कोई भी इलाज नहीं है। और दवाई ले भी रहा हूँ, इतनी दवाई ले रहा हूँ, पहले 25 गोलियाँ रोज की लेता था, अभी 17-18 गोलियाँ रोज ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को 1.5 महीना ही हुआ है सिरा जमाए हुए। मैं चल भी नहीं पाता था, ऐसी दिक्कत है, झुक भी नहीं पाता हूँ, यहाँ तक कि सुबह उठता हूँ तो गिर जाता हूँ, ऐसी हालत है, सबको पता है। लेकिन फिर भी कोशिश करी है मैंने सिरा जमा के, लेकिन अभी ये है कि मैंने 18 दिन से दवाई नहीं ली है। वैसे मैं एक दिन दवाई छोड़ता हूँ तो मेरा हालत ऐसी होती है, मेरे हाथ में भी कांपते हैं, गिलास भी नहीं उठा पाता हूँ, ऐसी हालत होती है। आज मेरे को 18 से 20 दिन हो गए, मैंने एक भी गोली नहीं ली है, पर दवाई लूँगा, ऐसे नहीं कि दवाई छोड़ दूंगा, क्योंकि दोनों तरफ मुझे ध्यान देना है, इधर भी उधर भी, जब तक पूरा बेनिफिट नहीं मिले। इसलिए मैं भी ये कहूँगा कि आप भी सिरा जमाएं और बेनिफिट लें, क्या पता दवाई असर कर रही है या मशीन असर कर रही है, दोनों तरफ। और बाकी तो मालिक है, उन पे भी भरोसा है, वही ठीक करेंगे। किसने बताया था सर आपको आने हमारी का? भाभी ने अच्छा बताया था, अच्छा और मैं कहीं भी नहीं जाता, मुझे विश्वास नहीं होता है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला थेरेपी लो, और सालों से बोल रहे, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, और मुझे बेनिफिट लग रहा है। अब मैं चल भी रहा हूँ, फिर भी रहा हूँ, और दवाई भी नहीं ले रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, पहले कभी नहीं उठता था, क्योंकि डर लगता था कि उठूँ नहीं कहीं गिर नहीं जाऊँ, इसलिए उठता ही नहीं था। अब सुबह 6 बजे उठ के अलार्म लगा के उठता हूँ, डेली फिट होता हूँ और आ जाता हूँ। सब इनसे ही प्यार सर मोहब्बत है जो आ जाता हूँ, और सर का लेक्चर सुन के वैसे विटामिन सारा मिल जाता है, वो इसके खुश रखते अलावा हैं तो अच्छा लगता है। सर आपको ये जो बीमारी थी उसमें रोज के दिनचर्या में आपको क्या दिक्कत आती थी? बहुत सारी दिक्कत थी, दिखना भी कम हो गया था, दिखना भी इसके कम हो इसकी गया लास्ट था। स्टेज, ये सेकंड स्टेज पे चल रही है, थर्ड स्टेज की और भी गंभीर है, आंखों की रोशनी जा सकती है, लकवा हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता हूँ, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ दवाइयों से रोका जा सकता है बीमारी को। आपने कहाँ कहाँ इसको दिखाया दिल्ली, बीमारी को? क्या अहमदाबाद, जयपुर, अजमेर, न्यूरोमाइलिट्स ऑप्टिका, सोडियम डिस्ट्राइट, और इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उसको साफ लिखा हुआ है कि इसकी इलाज नहीं है, और यहाँ पे इंडिया में इसके है ही नहीं पेशेंट, शायद एक या दो जो होंगे मेरे जैसे, बाकी अफ्रीका में है। और इसका वायरस है जो आंखों से आता है, इसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है, शायद ख़त्म भी हो जाती है, देखना बंद हो सकता है। इलाज कराएंगे तो एक अंग को खोना पड़ेगा, वो कोई सा भी अंग हो सकता है, आंखों भी हो सकती है, पैर भी हो सकते हैं, या कोमा में भी जा सकते हैं, इसलिए मैंने इलाज कराया ही नहीं, सिर्फ दवाइयाँ ले रहा हूँ। और अभी एक बस मेरे को इतनी है कि मैं चलना फिरना हो जाए, लेटरिन बाथरूम हो जाए, मेरा आधा हिस्सा ख़त्म हो चुका था पीछे का, यहाँ तक कि मैंने नलकिया लगी हुई थी 3 महीने तक। ये तो कुछ डॉक्टरों का भी है प्यार, जो उन्होंने ठीक कर दिया, और अभी अच्छे से चल भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है, और खा भी रहा हूँ मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी भी चलाता हूँ, वो भी अच्छा करता हूँ, करेगा भैया सब अच्छा है। और 1.5 महीने से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला, मतलब कि एक सुबह उठता हूँ तो खड़ा रह लेता हूँ अपने पैरों पर, गिरता नहीं हूँ, वैसे उड़ते एकदम यूँ हो जाता था, लड़खड़ा जाते थे आगे, क्योंकि बॉडी ठंडी हो जाती है मेरी, ब्लड बहुत ठंडा हो जाता है, आधा घंटा भी अगर बैठूंगा तो उठ नहीं पाऊंगा, ये है मेरी बॉडी को। पर ये कि यहाँ आने के बाद काफ़ी बेनिफिट है, और शायद आगे और बेनिफिट हो जाए, खत्म ही हो जाए बीमारी। अगर आप आएंगे सर तो जरूर होगा। कोशिश तो पूरी करी रहा हूँ कंटिन्यू सर आने बता की। रहे हैं इनको इतनी प्रॉब्लम थी तो सर ने पैसा कितना खर्च करा होगा ये भी बहुत क्वेश्चन खर्चा है। करा है, सबसे बड़ी चीज खर्चा करने, इलाज हो तो करें, इलाज ही नहीं है करते इस बीमारी का। और ये बीमारी हुई थी लॉकडाउन में, उस टाइम किसी बात पैसा नहीं था, और ऐसे नहीं कि मैंने कोशिश की, सब जगह कर लिए, जहाँ पता मिलता है वहाँ जाता हूँ कि कहीं ना कहीं तो इलाज मिलेगा। पर वही है, डॉक्टर कागज है कि यही बोलते हैं सर कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको तो दवाई लेनी, जिंदगी वाला तो जियोगे, जीना है तो दवाई लेनी है। अभी लास्ट टाइम पे भी ये बोला, आपको जीना है तो दवाई लो, जिस दिन मरने की इच्छा हो दवाई छोड़ देना, डॉक्टर साहब ही कह दिया। अभी सर को 15 दिन हो गए सर ने दवाई नहीं ली है, मैंने तो 15 दिन से भी ऊपर हो गए दवाई नहीं ली, कुछ ना कुछ तो मतलब अच्छा बेनिफिट हुआ है, तभी जाके सर को 15 दिन हो गए दवाई नहीं ली है, इसलिए आराम है। और रोज की 15 गोली में मैंने एक भी गोली नहीं ली अभी तक। और ये बात नहीं कि मैं पहले अगर दवाई छोड़ता था, जैसे दवाइयाँ खत्म हो जाती थी तो मैं छोड़ता भी था, जैसे 1-2 दिन दवाई मिस हो गई, डॉक्टर नहीं है, तो जैसे दवाई खत्म हुई तो हाथ पैर कांपने, सब समझ जाते थे कि इसने दवाई नहीं ली है, जैसे हाथ पैर कांप रहे हैं, देखने में से हो रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, दीवारों सहारे चल रहा हूँ, तो घर वाले समझ जाते थे इसने दवाई खत्म हो गई है नहीं लिए तो डॉक्टर, और हर 3 महीने में एडमिट करते हैं,
हर 3 महीने में एडमिट करके इंजेक्शन लगाते हैं, वापस मेरी बॉडी में ताकत डालते हैं जब जाके मैं चलता हूँ। लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से ना एडमिट हुआ हूँ और अभी तो सरकार दवाई भी नहीं ले रहा है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। मिस करूँगा ही नहीं आप लोग सब, तो पता मिलना जो है मिल के चंगा लाल जी धन्यवाद। तो सर आप यहाँ आने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे यही कहूँगा अपनी बॉडी को फिट रखें और अगर डॉक्टर की दवाइयाँ भी लें साथ साथ सेरेजम भी रो जाए, कहीं ना कहीं कुछ तो असर करेगा, दोनों तरफ ध्यान देना। बस यही कहना चाहूँगा साथ साथ रोज डेली आए और अपनी बॉडी को फिट करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी होगी, मेरी उम्र बहुत कम है, एक छोटा बच्चा भी है मात्र 7 साल का। मैं यही कहूँगा कि मैं भी आगे से अच्छा चलूँ और आप सब भी स्वस्थ रहें। हमारी माता जी ने ध्यान नहीं रखा, वो अभी दुनिया में नहीं है, उनको बहुत कहते थे कि ध्यान रखो नहीं, उन्होंने कभी नहीं रखा। लेकिन कोरोना के बाद अभी उनका लास्ट टाइम पे डेथ हो गई, वो भी कैसे ब्लड गड़ा हो गया। सबसे प्रॉब्लम ये थी उनका ब्लड गड़ा हो गया, हार्ट तक पहुँचा नहीं और अटैक आ गया, नहीं हो पाया, बहुत करी डॉक्टर ने कोशिश पर घर पे ही आ गया। पर आप सब भी अपना ध्यान रखें और सेहत रहे और अपनी सेहत बनाएं, यही कहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सबको सर से कुछ सीखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो क्या है, कंटिन्यू करना है आपको इस चीज को। इसके अलावा सर बता रहे थे कि उनकी मम्मी को क्या प्रॉब्लम हुई थी, ब्लड सर्कुलेशन की। क्या हुआ था, ब्लड गाढ़ा हो गया था, तो उनकी वजह से क्या उनको हार्ट अटैक आ गया। तो अब आप सोचते हैं कि ब्लड गाढ़ा हो गया, नॉर्मल बात है ब्लड गाढ़ा होना। अगर अपने बॉडी में